Channel, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल बॉन्ड थ्योरी के बारे में है सोशल बॉन्ड थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी व्हिच एक्सप्लेन्स क्रिमिनल बिहेवियर लेकिन ये जरा हट के है जो हमने प्रीवियस थ्योरीज पढ़े हैं क्योंकि प्रीवियस थ्यूरी जिस तरह हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़े हैं लोब्रोसो की थ्योरी थी इसमें विलियम शेल्डन की थ्योरी थी एक्स्ट्राइक्रोमोसोम की थ्योरी थी इसके अलावा थ्योरी थ्योरी में हमने की पढ़ी थी थ्योरी पढ़ी थी उन सारे थ्यूरी कॉन्सेप्टॉजिकल फैक्टर्स आर सोशोलॉजिकल फैक्टर्स अ ह्यूमन टू कमिट अ क्राइम इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट चेंज है इस थ्योरी में ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि लोग क्राइम क्यों नहीं कर रहे of so, होते हैं जिसकी वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं सो दिस थ्यूरी इज ओरिजिनली कार्ड सोशल बॉन्ड थ्यूरी लेटर ऑन दिस थ्यूरी कन्वर्ट इन टू सोशल कंट्रोल थ्यूरी तो इस चीज को समझने के लिए कि क्यों ये थ्योरी सोशल बॉन्ड थ्योरी से सोशल कंट्रोल थ्योरी बनी इस चीज को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक रहिए और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दिस थ्योरी हैज वाज एन अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट एज वेल एज यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना And his theory originally named as social bond theory later referred to as social control theory. So let's come to the main statement of social bond theory. This theory asks a question that why people are lie abiding citizens. So this theory means that low crime is crime very good So the answer is there that, that the reason is that when their bond to society is stronger, they will follow the law. K ka bond. सोसाइटी के साथ सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग होता है तब वो लॉ को फॉलो करेंगे सो so, जानते हैं कि बॉन्ड से यहाँ पर क्या मुराद है वट डज बॉन्ड मीन इन दिस थ्योरी ट्रेविस हिरशीज सोशल बॉन्ड थ्योरी, लेटर एज सोशल कंट्रोल थ्योरी, वॉज क्रिएटेड इन 1969 सिक्सटी टू फिगर आउट वाई पीपल फॉलो दॉ हिरशीज बिलीव पीपल ओनली बिकेम क्रिमिनल बॉन्ड सोसाइटी इज वीक Bond means indirect control like family, police, peer group, etc. Due to which people are afraid to commit crimes. तो इसमें ये बात clear बता दी गई है कि what does bond mean? Bond का मतलब वो indirect control होता है उस individual पे उस human पे जिसकी वजह से वो crime नहीं करता वो indirect control family की तरफ से होता है वो पुलिस भी हो सकती है उसका जो अपना फ्रेंड जोन है वो भी हो सकता है उसके फैमिली के जो है, वो हो सकते हैं, है रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ सोसाइटी जिनके साथ वो एक इमोशनल बॉन्ड में होता है इस वजह से वो क्राइम नहीं करता क्योंकि उस बॉन्ड की वजह से उस पर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है जिसकी वजह से उसको खौफ होता है डेट इफ आई अ क्राइम सो जो उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है या उसका जो माशरे में जो मर्तबा और जो इमेज बनी हुई होती है अगर वो क्राइम करेगा सो so उस पर एक नेगेटिव स्टिग्मा लगेगा वो लेबल होगा जिसकी वजह से माशरे में उसका जो मकाम है वो गिर जाएगा सो so ये सारी चीजें होती है इस बॉन्ड में इसकी वजह से वो लाइडिंग रहता है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं जाता और वो माशरे में प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता है और एक प्रोडक्टिव रोल माशरे में निभाता है सो दैट्स वाई वेन दे आर बॉन्ड टू फैमिली पियर ग्रुप फ्रेंड्स एल्डर पीपल टीचर्स इफ दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ एन इंडिविजुअल तो इसकी वजह से फिर वो क्राइम नहीं करेगा फर्दर ट्रेविस हिरशी कहता है कि हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट है थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन और ये सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे सोशल ग्रुप्स है फैमिलीज है नेबरहुड है स्कूल है काम की जगह है सो so, ये बॉन्ड हमें प्रोहिबिट करता है हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम लॉ को वायलेट ना करें और हम एक प्रोडक्टिव सिटीजन बने सो so, इस थ्यूरी का जो कॉर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब लोगों का बॉन्ड सोसाइटी के साथ स्ट्रॉन्गर होगा वो क्राइम नहीं करेंगे लेकिन अगर ये बॉन्ड जो इमोशनल बॉन्डिंग विद फैमिली, विद पीयर ग्रुप विद टीचर्स ये अगर वीक होगा और वो इनडायरेक्ट कंट्रोल इस पे नहीं होगा सोसाइटी का इस इंस्टीट्यूशन का तो फिर वो क्राइम की तरफ जा सकता है क्योंकि बेसिक मकसद ही यही है कि अगर जो लोगों का सोशल बॉन्ड स्ट्रोंग होता है अगर वो कानून तोड़ेंगे उन पर लेबल लगेगा सो हैव टू मच टू लूज वो जो रिस्पेक्ट उनका है वो जो परसेप्शन उनकी बनी हुई है माशरे में वो सारी चीजें लेबलाइज हो जाएंगी और उसको खौफ होता है कि ये सारी चीजें उससे मिट जाएगी और जो परसेप्शन उसका और जो रेपुटेशन उसकी बनी हुई है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंस्टीट्यूशन एंड विद द पीपल वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से फिर वो माशरे में एक वेल रिप्यूटेड जिंदगी नहीं गुजार सकेगा सो इसकी वजह से फिर वो क्राइम नहीं करता एलिमेंट्स so, की बात की है सोशल बॉन्ड में जो है अटैचमेंट कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ जिस तरह उन्होंने सोशल बॉन्ड की बात की है कि अगर सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा लोग क्राइम नहीं करेंगे तो वो सोशल बॉन्ड में मेजर कौन से एलिमेंट होते है वो ये है सो लेट्स नो अबाउट इट वन बाई वन द फर्स्ट वन इज अटैचमेंट अटैचमेंट में ट्रेविस हिर्शी ने यह कहा है कि पीपल हु फील स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू अदर पीपल आर लेस लाइकली टू कमिट अ क्राइम आवर अटैचमेंट टू अदर्स विद इन सोसाइटी कैन कीप अस फ्रॉम डेविएटिंग यही बात है कि जो जितना लोग अटैच रहते हैं सोसाइटी में अपने उन लोगों के साथ जो कि फैमिली है जो कि वर्क प्लेस में उनके काम करने वाले हैं उनके जानने वाले हैं जो एल्डर्स हैं टीचर्स हैं उनके साथ अगर बंदे की अटैचमेंट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर एक्सपेक्टेशन भी उनसे उसकी ज्यादा होती है तो ये अटैचमेंट सोशल बॉन्ड में अगर हो सो so ये बेसिकली रिफर्स टू सेंसिटिविटी एंड इंटरेस्ट इन अदर एंड इट इज हाउ स्ट्रॉन्गली वी आर टाइड टू अदर सो ये अटैचमेंट की वजह से वो सोशल बॉन्ड मजीद मजबूत होता है फर्दर मोर उसने तीन प्राइम लोकेशन के बारे में डिस्कशन की है विद रिगार्ड टू अटैचमेंट जिसमें पेरेंट्स सरफहरिस्त है कि उसकी अटैचमेंट वाल के साथ ऑब्वियसली जब एक इंडिविजुअल सोचेगा कि इफ 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 आई 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 कमिट अ क्राइम एंड एंड गेट गेट अरेस्टेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सो किस तरह वो अपने पेरेंट्स के सामने दोबारा पेश होगा उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके पेरेंट्स के उससे वो सारे टूट जाएंगे सो so इस वजह से वो अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग होती है पेरेंट्स के साथ जिसकी वजह से वो एक इनडायरेक्ट कंट्रोल उस पर होता है उसकी वो सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है इसकी वजह से वो क्राइम नहीं करता पेरेंट्स के अलावा स्कूल और जो पीड़ ग्रुप है वो भी सोशल बॉन्ड को मजबूत करने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं सो द मोस्ट वी आर कनेक्टेड विद ग्रुप दोस्ट वी विल फॉलो द लॉ दूसरा जो एलिमेंट है सोशल बॉन्ड का वो कमिटमेंट है कि वो बंदा कितना कमिटेड है अपने काम के साथ अपने लोगों के साथ अपने फ्यूचर गोल्स के साथ अगर उसकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है और वो कमिटेड बन रहा है सो so फिर वो जो सोशल बॉन्ड उसका है वो मजबूत होगा और वो क्राइम नहीं करेगा और कमिटमेंट रिक्वायर्स टाइम एनर्जी एंड जब भी एक बंदा कमिटेड होता है अपने फ्यूचर गोल्स के साथ अपने काम के साथ अपने रिलेशंस के साथ सो ही विल गिव टाइम टू दो ही विल गिव एनर्जी एंड एफर्ट तो जब वो सारा टाइम सारी एनर्जी सारा जो उसका एफर्ट है वो इसी कमिटमेंट को देगा इसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को देगा तो उसको क्राइम करने के लिए वो उसका planning और वो बचेगा ही विल नॉट डेविट और वो एक लॉ एबाइडिंग सिटीजन होगा श्रैव हृषि ने कमिटमेंट तीन तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है एक है वो कैशल एक्सपायरेशन कि उसका जो जिंदगी में स्किल्स सीखने की जो चाह है तो वो, वो कमिटेड होगा तो सो उसका सोशल बॉन्ड अपने स्किल्स और अपने फ्यूचर एम्स के साथ ज्यादा होगा जिसकी वजह से वो क्राइम नहीं करेगा इसके अलावा एजुकेशन इंस्पायरेशन है उसकी जो तालीमी जो अचीवमेंट है और जो गोल्स है विद रिगार्ड टू फ्यूचर के उसने एजुकेशन हासिल करनी है उसने हायर एजुकेशन हासिल करनी है उसने मुख्त रिसर्च करनी है पब्लिकेशन करनी है सो इफ एजुकेशनल इंस्पायरेशन सो ही विल हैव लेस टाइम फॉर अदर नेगेटिव एक्टिविटीज और एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन सो दीज आर द एरियाज इन विच इंडिविजुअल इज कमिटेड सो द बॉन्ड विल बी स्ट्रगर and he or she will less likely go towards the commission of an offence. The third one is involvement. This refers to the amount of time that we are involved in conventional activities like in schooling, family, friends, hobbies, etc. Individual in these activities leaves little time for deviant behaviour. In this, <laughs> the more an individual involved in conventional activities hamare our daily routine जो सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ हम बाउंड होते हैं लाइक हमारी सुबह से स्कूलिंग शुरू हो जाती है उसके बाद हमारे अगर रिलीजियस एजुकेशन हासिल करना हो वो होती है हमारी फैमिली होती है उसमें इंक्लूड रहते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको कैरीड आउट करते हैं इसमें अगर हमारी इन्वोलमेंट ज्यादा होगी सो तो हमारा जो टाइम है जो एफर्ट है वो इसी में ही रहेगा सो इंडिविजुअल इन दीज एक्टिविटीज लीव लिटल टाइम फॉर बिहेवियर तो so, वो लोग जो अपने एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मतलब अपने स्पोर्ट्स में अपने हॉबीज में या और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं सो so, उसके साथ काफी कम टाइम होता है इवन दो दे आर नॉट इवन थिंकिंग फॉर द अदर वेज अदर शॉर्ट जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ फिर वो जाता है सो इफ एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व मोर इन हिज कन्वेंशनल एक्टिविटीज इन हिज स्कूलिंग इन हिज स्पोर्ट्स इन अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज So, less time बचेगा उसको सोचने के लिए इवन के वो क्राइम की तरफ जाए इनवॉल बॉन्डो मेक्स लाइबारोट दिलीफ सिटीजन एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी पीपल विद्रॉन्ग मॉरल बिलीफ इन द लॉ आर लेस लाइक इंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी सिस्टम ऑफ वैल्यूज रिलीजियस बैकग्राउंड शुड नॉट बी डैमेज So basically, our belief acts as a decider for selecting good and bad behavior. So belief से यहाँ पर यह मुराद है कि एक individual की जो socialization होती है family में और उसकी जो acceptance का मुरैल होता है जो power होती है कि जो हमारी authorities बनी हुई है laws जो बने हुए है जो हमारा background है जो traditions आ रहा है एक रिस्पेक्टेबल शहरी जो सोसाइटी में वक्त गुजारता है वो चीज डैमेज नहीं होनी चाहिए मतलब उसके जहन में ये चीज होती है कि हमारा एक सिस्टम ऑफ वैल्यूज होता है कल्चर है रिलीजियस बैकग्राउंड है और भी इस तरह बहुत सी चीजें जो कि कल्चर का हिस्सा होती है और जो उसकी फैमिली होती है फैमिली का रेपुटेशन होता है जो उनका इमेज बना हुआ होता है माशरे में ये सारी चीजें उसके सामने होती है एंड इट इज इन हिज माइंड दैट दिस ऑफ ंग शुड नॉट बी डैमेज और जो उसका मॉरल बिलीफ होता है कानून में वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्राइम नहीं करेगा सो so, बिलीव से यहाँ परिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी सो बिलीव प्रेफर्स टू सच वैल्यूज एज शेयरिंग सेंसिटिविटी टू अदर्स रिस्पेक्ट फॉर सोसाइट इज लॉस तो यही बात है कि एक दूसरे के साथ एक अच्छी रिलेशन कायम करना एक दूसरे का ख्याल रखना और स्पेशली रिस्पेक्ट फॉर द लॉज रिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटी रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली ये सारी चीजें जब होंगी लोगों का बिलीफ इस पे होगा तो इस बिलीफ की वजह से फिर वो क्राइम कमीशन की तरफ नहीं जा सकेंगे so this is basically the conclusion of social bond theory that if attachment commitment involvement and belief is stronger of an individual in a society with the social institutions with the work with the future so it will prohibit people from crime and criminal behavior and if these elements of social bond is weaker then there are possibility for an individual to go for the commission of an offense. So yeah basically social bond theory theme. Ab ist theory cai Dusar of Partehem, ye Theory this social Bond theory says social control theory bunny. So let's read it. Travis Hirshey's on further analysis referred the theory to social control theory. He based it on a perspective which predicts that when social constraints on antisocial behavior are weakened or absent, delinquent behavior emerges. So, ये वो पॉइंट था उसने एनालिसिस की फर्दर कि जब सोशल कंस्ट्रेंट्स जो होती है एंटी सोशल बिहेवियर पे क्रिमिनल एक्टिविटीज पे नेगेटिव और डिलिंकुन ग्रुप्स पे जब सोशल कंस्ट्रेंट्स कमजोर होगा या वो होगा ही नहीं बिल्कुल वो जो एक खौफ है इदारों का एनफोर्समेंट एजेंसीज का अगर वो कमजोर होगा या वो होगा ही नहीं बिल्कुल तो डिलिंग बिहेवियर इमर्ज करेगा तो यहाँ पर इसने ये बात की फर्दर एनालिसिस पे कि वो सिर्फ बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पर उसने उस सोशल कंट्रोल की बात की है कि सोशल कंट्रोल एजेंसीज नहीं होंगे या वो कमजोर होंगे तो फिर भी डिलिंग बिहेवियर इमर्ज हो सकता है सो हियर ही एम्फेसाइज ऑन द सोशल कंट्रोल डियर शुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स एज वेल ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल जो उनको डिटर करें हिरशी ने ये आर्गूमेंट दिया है की सारे इंसान और एनिमल्स बाय नेचर दे आर हेडोनि नेचुरली अगर सोसाइटी या एजेंसी उनको रेस्ट्रिक्ट ना करे क्राइम कमीशन से सो इंटरनली एंड नेचुरली वो क्राइम कर सकते है सिंपल सा मिसाल दे दूंगा यूजली जब ट्रैफिक वायलेशन होती है तो फॉर एग्जाम्पल अगर रात का टाइम है रेड लाइट ऑन है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब बंदा देख लेता है कि ट्रैफिक ऑफिसर्स नहीं है और कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी नहीं है फाइन कार्डर उनको नहीं है फॉर एग्जाम्पल और वो ये भी देखते हैं कि अगर मैं इस ट्रैफिक लॉ को तोड़ दूं और रेड लाइट ऑन होने के बावजूद मैं अगर सिग्नल क्रॉस करूं, सो कोई बंदा इंजर्ड नहीं होगा तो चलो लेट्स वायलेट डी लॉ। और चाहे वो अगर ज्यादा एजुकेटेड बंदा हो लॉ एब सिटीजन हो लेकिन यहां पर उसको इस चीज का खौफ नहीं है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा या मुझ पे फाइन आ जाएगा तो वो उस लॉ को तोड़ देता है

यहाँ पर सोशलाइजेशन की बात है कि जब एक बंदे की फैमिली में उसकी सोशलाइजेशन होती है उसको अच्छे और बुरे की बात बताई जाती है उसका जो शेयरिंग और केयरिंग की सोशलाइजेशन होती है उसको बताया जाता है कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है और बचपन से ही उसके दिमाग में वो चीज़ डाली जाती है विच लाइज विद इन द इंडिविजुअल एंड ही हैज़ द एबिलिटी और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इस काबिल होती है कि वो ये चुने कि गलत काम कौन सा है और सही काम कौन सा है सो दिस इज बेसिकली इंटरनल सोशल कंट्रोल लाइज विद इन एन इंडिविजुअल के उस पे वो फैसला करता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या वो गलत है या सही है फॉर एग्जांपल यू डू समथिंग बिकॉज़ इट इज राइट थिंग टू डू तो वो ये एक इंटरनल सोशल कंट्रोल इंसान में होता है कि वो खुद फैसला करे कि मुझे अच्छा काम करना चाहिए दूसरा है एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल में ट्रेविस हिरशी ने सेंशन की बात की है कि एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल इज फ्रॉम द सोशल कंट्रोल एजेंसीज जिसमें रिवार्ड्स और पनिशमेंट की बात की गई है के दो तरीके से होते हैं एक में हम रिवार्ड की बात करते हैं कि रिवार्ड अगर होंगे तो लोगों पे एक एक्सटर्नल चेक एंड बैलेंस होगा और उस रिवार्ड की अचीवमेंट के लिए और उस रिवार्ड की वजह से जब वो माशरे में वेल well रिप्यूटेड बंदा बनता है तो इस वजह से वो क्राइम नहीं करेगा और दूसरी तरफ पनिशमेंट की बात की गई है कि अगर उसको उस एक्ट के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो उस पनिशमेंट के खौफ से फिर क्राइम नहीं करेगा सो ये एक एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल होगा सो पॉजिटिव सेंशन आर यूज टू इनक्रेजर्मिटी लाइक गिविंग एवॉर्ड प्रेज एट्रा इसकी वजह से इस कंट्रोल की वजह से वो क्राइम नहीं करेगा और नेगेटिव सेंशन आर यूज टू स्टॉप

की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन अगर सोशल कंट्रोल एबसेंट होगा एक इंडिविजुअल पे सो देर आर पॉसिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल टू गो टूवर्ड्सेंस आप पढ़ते हैं इस थ्यूरी के एक और अहम हिस्से को जो कि क्रिटिसिज्म है ये चीज आप अपने जहन में रखें कि जब भी आप एक थ्यूरी के बारे में लिखते हैं तो एंड में क्रिटिसिज्म को जरूर मेंशन किया करे कि इस थ्यूरी के जो वीकनेसेस है

हीनस हार्ड एंड क्रिमिनल्स की बात ही नहीं की गई उसमें यह बात की गई है कि अगर पेरेंट्स के साथ अगर स्कूलिंग के साथ वर्क ग्रुप के साथ उनका बॉन्ड वीक होगा तो वो क्राइम करेगा मतलब एक जो परसेप्शन है क्राइम का विद रिगार्ड टू सीरियस ऑफेंसेज विद एडल्ट क्रिमिनल बिहेवियर उस चीज को डिस्कस नहीं किया गया दूसरा क्रिटिसज है कि डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बिटवीन कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट में इतना ज्यादा फर्क इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया डो नॉट टेल एस वाई पीपल कमिट क्राइम इट ओनली एक्सप्लेन क्राइम इन देंस ऑफ सोशल बॉन्ड इस थ्योरी ने मतलब ये रीजन नहीं बताई कि लोग मुख्तलिफ क्राइम क्यों करते हैं इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जब बॉन्ड कमजोर होगा लोग क्राइम करेंगे लेकिन इसके अलावा और वजूहत नहीं बताई वट आर द अदर रीजन डू डू विच पीपल कमिट क्राइम क्योंकि देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल इन आर सोसाइटी के बहुत से लोग वेल well रिप्यूटेड होते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इवन दो सोशल कंट्रोल भी उनके ऊपर होता है बट ड्यू टू सर्टन रीजन वो फिर भी क्राइम करते हैं स्पेशली व्हाइट कॉलर क्राइम्स की मैं अगर बात करूं जो कि आखिर में दिया गया भी है और फिर है कि इट इज टेल अस अबाउट डिवेंट बिहेवियर ऑफ पीयर ग्रुप एंड पेरेंट्स दिस इज वन ऑफ द पॉइंट इसमें तो ये बात की गई है कि उनका बॉन्ड अगर अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग होगा अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्राइम नहीं करेगा लेकिन अगर उसका जो पियर ग्रुप है उसके जो फ्रेंड्स है वो डिलिंकेंट है वो डिविट बिहेवियर में इंक्लूडेड है इन्वॉल्व है और उनके पेरेंट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है वो किसी रैकेट्स वगैरह में इन्वॉल्व है तो उनका जब बॉन्ड उनके साथ मजीद स्ट्रॉन्ग होगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो क्राइम नहीं करेंगे अगर उसके फ्रेंड जोन और पेरेंट्स डिवेंड होंगे और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पर तो वो ऑब्वियसली क्राइम ही करेगा क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन और जिस ग्रुप के साथ उनका बॉन्ड स्ट्रांग है वो खुद क्रिमिनल है सो so यहां पर तो वो मजीद क्राइम करेंगे सो so इस चीज को इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया सो दिस आर फ्यू क्रिटिसिजम ऑन दिस थ्योरी सो आई होप कि आपको इस सोशल बॉन्ड थ्योरी और सोशल कंट्रोल थ्योरी की समझ आ गई होगी इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस थ्योरी विद रिगार्ड टू कॉन्सेप्ट्स, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू